जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम होपफुल यू विल बी फाइन एट योर होम्स। सो टुडे इन द वेरी बिगनिंग वी विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसको हम आज देखेंगे कि कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, इसके डिफरेंट सिनेरियोस को हम डिस्कस करेंगे। Right, so let's have a start without wasting further time. Topics covered, the thing that we need to focus, the first one is components and component models, second one CBSE processes, component based software engineering processes, which are these, and regarding these processes, what is CBSE for reuse and CBSE with reuse? Two things for the CBSE processes. First one is CBSE for reuse and second one is with reuse. We'll discuss both of these, and after that component composition and object constraint language. जी, दिस इज अ सिंपल एनालॉगी, लेट मी हैव सम एग्जाम्पल। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्पोनेंट्स, दी लीगो एनालॉगी, लेट मी डिस्कस। अगर मैं आपको इसे समझाऊं तो आपको क्लियर हो जाएगा कॉम्पोनेंट्स का और कॉम्पोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिकली है क्या। थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल मैंने उठाई है, लीगो ब्लॉक्स आर जेनेरिक एंड ईजिली कम्पोजेबल, यू पीपल नो दैट। ब्लॉक्स को हम मिलाना, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की हम शेप्स को जनरेट करना, कंप्राइज ऑफ अ सेट ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स इन डिफरेंट शेप्स एंड कलर, जिस मच लाइक द सेम वे जिसे हम ब्लॉक्स को कंबाइन करके डिफरेंट शेप्स बनाते हैं डिफरेंट कलर्स में, ठीक है। सो मच लाइक द सेम वे हेयर आई एम गेटिंग दिस एग्जाम्पल, दिस कैन बी कंबाइंड इन डिफरेंट वेज एंड कंपोजिशन थ्रू स्मॉल स्टब्स इन वन एंड कॉरेस्पॉन्डिंग होल्स इन अनदर बिल्डिंग ब्लॉक। बिल्कुल, अब आप देखें इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग होल्स हैं, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्बिनेशन से आप डिफरेंट आपकी शेप्स तैयार कर सकते हैं। मच लाइक द सेम जिस तरह ब्लॉक्स आप किड्स के लिए आपने अपने लेके आते हैं, इस तरह खिलौने टाइप में आप देखें ना, ब्लॉक्स होते हैं हमारे पास, हम ब्लॉक्स को जोड़ के जो एक किड है, स्मॉल जो चिल्ड्रन होते हैं, वो क्या करते हैं, ब्लॉक्स को जोड़ के डिफरेंट शेप्स बनाते हैं, ठीक है। तो मच लाइक द सेम वे रिगार्डिंग दिस सिनारियो, कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट क्या है, मैं इस बात से लेके चल रहा हूँ। सो मच लाइक द सेम वे कॉम्पोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग CBSE क्या है, इट इज एन अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इट इज एन अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट दैट रिलाइज ऑन द री यूज ऑफ एंटिटीज कॉल्ड सॉफ्टवेयर कॉम्पोनेंट्स। यस, एक अप्रोच है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ जो किस पे बेस करती है, किस पे रिलाई करती है, हमने क्या करना, द री यूज ऑफ एंटिटीज, रिमेंबर आई एम यूजिंग द वर्ड्स, द री यूज ऑफ एंटिटीज, वो एंटिटीज क्या कहलाती है, दीज आर कॉल्ड द सॉफ्टवेयर कॉम्पोनेंट्स, इनकी बात हो रही है, इन पे रिलाई कर रहे हैं, एंड ऑन द री यूज ऑफ एंटिटीज विच आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर कॉम्पोनेंट्स। सो कंबाइंडली कॉम्पोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज एन अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट दैट रिलाइज on the use of entities called software components. It emerged from the failure of object-oriented development in the late 90s में। हाँ, ये इसकी जो extraction है, ये emerge कहाँ से हुआ है, prominent कब होना शुरू हुआ ऐसा ऐसा, late 90s में, जब object-oriented development में हमने failures दिखना शुरू कर दिए। हम क्या चाह रहे थे, अपने components को reuse करना चाह रहे थे, different modules को हम utilize करना चाह रहे थे अगले phases में, उनको रियूटिलाइज हम करना चाह रहे थे। दैट इज व्हाई इट इज रिटन ओवर हियर, टू सपोर्ट इफेक्टिव रीयूज, टू सपोर्ट इफेक्टिव रीयूज, राइट। व्हाट काइंड ऑफ रीयूज आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स रीयूजेबिलिटी। थर्ड वन, इट इज
वेल नोन इन अदर डिसिप्लिन एज वेल. ये देखिए जी, आपको ब्लॉक्स आ रहे हैं, कॉम्पोनेंट्स आ रहे हैं, इन कॉम्पोनेंट्स को हम दोबारा देखें, एग्जाम्पल किया हुआ, इसको रीयूज कर सकते हैं, इनको रीवाइटल बना सकते हैं, राइट. सो इट मीन्स दैट दे आर ऑल्सो अवेलेबल इन अदर डिसिप्लिन. द क्वेश्चन अराइजेस कि जब मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के भी पीछे बात कर रहा था, आई वॉज टॉकिंग अबाउट द कॉम्पोनेंट्स, ऑब्जेक्ट्स का भी जिक्र आया, तो क्या हमारे जहन में एक सवाल आता है, आर ऑब्जेक्ट्स कॉम्पोनेंट्स? क्वेश्चन अराइजेस, वी जस्ट टॉक्ड अबाउट द ऑब्जेक्ट्स, आर ऑब्जेक्ट्स, आर ऑब्जेक्ट्स कॉम्पोनेंट्स? लेट वी सी, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट वी सी द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट. एन ऑब्जेक्ट इज अ यूनिट ऑफ इंस्टेंटेशन. यू पीपल नो दैट द इंस्टेंटेशन ऑफ अ क्लास, द इंस्टेंस होता है क्लास का, ऑब्जेक्ट कहलाता है. इट इज अ यूनिट ऑफ इंस्टेंटेशन. एन ऑब्जेक्ट हैज अ यूनिक आइडेंटिटी. एज वी पीपल नो दैट एवरी ऑब्जेक्ट हैज इट्स ओन आइडेंटिफिकेशन. एन ऑब्जेक्ट मे हैव अ स्टेट एंड दिस कैन बी एक्सटर्नली ऑब्जर्व्ड. यस, एन ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो हैव अ स्टेट. This can be externally observed, or this can simply be observed. An object encapsulates its state and behavior. Yes, object-oriented programming में हमने encapsulation एक quality building block देखा था. It encapsulates its state and behavior as well. So, objects are too detailed and specific. From these four statements, I am concluding that objects are too detailed and specific. These objects are too detailed and specific. So objects are not components but can be viewed as predecessors of components. Yes, this baat ko clear kijiyega. This is very very important point, key point. The objects aapke components nahi hain but they can be viewed as predecessors of the components, but they can be viewed as the predecessors of the components. ठीक है जी, तो I repeat once again, ये components नहीं है but they can be viewed as predecessors of the components. हाँ, components के predecessors तो हो सकते हैं but they are not components. Objects are commonly used for forming components. हाँ, objects का हम इस्तेमाल करते हैं इन components को बनाने के लिए but बजाते खुद by itself they are not the components that we need to reuse in our project. So components are the prototypes, components are rather prototypes, blueprints, plans from which stateful objects can be instantiated. It means phir components kya, agar hum keh rahe hain ki hum ye keh rahe hain ki objects हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, फ्रूटफुल होते हैं कंपोनेंट्स को डेवलप करने के लिए. सो इट मींस कंपोनेंट्स आर रादर प्रोटोटाइप्स, दे कैन बी ब्लूप्रिंट्स, प्लान्स फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी इंस्टेंशिएटेड, जिनसे हम ऑब्जेक्ट्स को इनिशिएट करवा सकते हैं, इंस्टेंशिएट करवा सकते हैं, राइट. सो ये इनकी प्रोटोटाइप्स, इनके ब्लूप्रिंट्स, इनके प्लान. द कंपोनेंट्स आर मोर एब्स्ट्रैक्ट, इट मींस द कंपोनेंट्स आर मोर एब्स्ट्रैक्ट then objects. Yes, because they can be prototypes, blueprints, plans from which stateful objects can be instantiated. So that's why they are more abstract than objects and can be considered to be stand-alone service providers. Components are your stand-alone service providers. I mean to say in that sense, सिंगल कंपोनेंट आपका जिसका आपने अब इंटेग्रेट नहीं किया है, लेट्स से मैं किसी मॉड्यूल की बात करता हूँ, वो एक स्टैंड अलोन सर्विस प्रोवाइडर होता है. लेट्स से हमारे एक प्रोजेक्ट के अंदर, लेट्स से हमने एक सॉफ्टवेयर स्ट्रीम लाइन किया, सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास बहुत सारी ऑप्शन हैं, बहुत सारे एंड यूजर हैं जिनको उन सब ऑप्शन के इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, जस्ट लाइक मैं एक एग्जाम्पल रहता हूँ, हमारे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यूज की वेबसाइट है, उसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं. ठीक है, लेकिन हर मॉड्यूल आप देखें वहाँ पे एक स्टैंड अलोन सर्विसेज प्रोवाइडर. लेट्स से मैंने अपनी रिटर्न फाइल करनी है, तो मेरा एक रेगुलर अपना एक अलग ही पोर्शन है, मैं मुझे किसी और दूसरे पोर्शन से कंसर्न
नहीं है। अगर मैं इनकम टैक्स अदा कर रहा हूँ, बिजनेसमैन नहीं हूँ, तो मेरा कंसर्न किससे होगा? आईटी सेक्शन से, इनकम टैक्स, ठीक है, उससे कंसर्न होगा, मैंने उस एरिया में अपनी जो है रिटर्न फाइल करनी होगी। सो इट मीन्स को वो मॉड्यूल मुझे एक स्टैंड अलोन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। सो दैट इज वाई कॉम्पोनेंट्स सिंगल हैंडली दे कैन बी कंसिडर टू बी स्टैंड अलोन सर्विस प्रोवाइडर्स, दे कैन एग्जिस्ट एज स्टैंड अलोन एंटिटीज, ये एक स्टैंड अलोन एंटिटीज के तौर पर एग्जिस्ट कर सकते हैं, रिमेंबर। थर्ड थिंग इज द कॉम्पोनेंट्स मस्ट बी यूनिट्स ऑफ इंडिपेंडेंट डिप्लॉयमेंट, सपोर्ट रीयूज एंड इनकैप्सुलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एंड पॉइंट। आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉम्पोनेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल दे मस्ट बी यूनिट्स ऑफ इंडिपेंडेंट डिप्लॉयमेंट। यस, एज आई हैव अर्लियर टोल्ड यू दैट स्टैंड अलोन सर्विस प्रोवाइडर, a standalone unit of independent deployment that is not dependent upon other things, it is independent deployment and that can support the reuse and encapsulation, that quality must be possessed by a component. So that is why I am saying components must be units of independent deployment, support reuse and encapsulation. Next one is no externally observable state. No state. There is no observable external. No externally observable state. And next one, unit of third party composition. There must be unit of third party composition. Why to use the concept of reusability in CBSC, in component-based software engineering? Why components? Let's see. The goal of component-based software engineering is to support the rapid development of new systems. First of all, rapid development within no time, in the short span of time, rapid development of new systems by reducing development to component integration. Yes, and to ease means very easy, to ease the maintenance. Yes, ease the maintenance, that we can easily maintain them, ease the maintenance of such systems by reducing maintenance to component replacement. If you are going to replace any kind of component in your system and you want to integrate different types of components, so reducing the development time and to integrate and to reduce the maintenance, this is the goal of, this is the main objective, or you can say the main motive of the component based software engineering. This is the particular goal. Next one, I should talk about the components can be developed. Yes, they can be developed, they can be bought, and they can be sold as distinct entities, as an independent entities. If you want to sell out your project, but you don't want to sell your full project, a part of your project, you want to separate different modules or different components, you can easily sell out these distinct entities. This is the benefit of the component based software engineering. So components can be developed, they can be bought, yes, you can buy, they can be sold out as distinct entities, as a distinct independent entities, I must say. At this point, CBSE is still more of a goal than a reality, with considerable ongoing research trying to figure out, yes, what kind of we need to figure out, trying to figure out how to, which are these things, how to specify components so that buyers can determine whether a particular component fits their needs. Yes. स्पेसिफाई करना कॉम्पोनेंट्स को, सो दैट के बायर है या आप बेचने जा रहे हैं, वो डिटरमिन कर सकता है कि
कि whether a particular components fits their needs, क्या जो मैं हम लोग इस मॉड्यूल को लेना चाह रहे हैं, इस कंपोनेंट्स को बाय करना चाह रहे हैं, ये हमारे सिस्टम के साथ फिट भी है कि नहीं है, हमारी जरूरत पे पूरा उतर रहा है या नहीं हो रहा. नेक्स्ट, सर्टिफाई दैट अ कंपोनेंट परफॉर्म्स एज क्लेम्ड. जिस बात का आप क्लेम कर रहे हैं कंपोनेंट को, ये का परफॉर्मेंस करेगा, ये चीज देगा, ये सर्टिफाई करे उस बात को. नंबर थ्री, रीजन अबाउट द नॉन फंक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट्स. यस, फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट्स यू कैन कंक्लूड, यू कैन, यू मे फिगर आउट द रीजंस अबाउट द नॉन फंक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम. अब बाकी जो चीजें हैं आपकी रिमेनिंग, आपके लिए नॉन फंक्शनल होंगी क्योंकि आपने इस कंपोनेंट से काम लेना है. ठीक है, उसकी रिलायबिलिटी उस कंपोनेंट्स के साथ शो करती है, लेकिन ये चीजें ऑनगोइंग रिसर्च में है. ठीक है, उसको फिगर आउट करना है. तो ये क्वेश्चन तीन स्पेशली ये तीन बातें जो हैं इसको फिगर आउट करना जरूरी है. ये सवाल तुम्हारे जहन में आते हैं तो इसको साथ में लेके चलना जरूरी है. कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मजीद कुछ छोटे छोटे जो आपकी जो है टर्मिनोलॉजीज आती हैं जिनको भी समझना बहुत जरूरी है. कंपोनेंट्स बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में उनके एसेंशियल्स में एक टर्मिनोलॉजी आती है, इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स. इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स व्हाट आर दीस? दे मस्ट बी स्पेसिफाइड बाय देयर इंटरफेसेस. व्हाई आई एम सेइंग दैट? दैट बिकॉज एन इंटरफेस इनेबल्स द इंटरेक्शन बिटवीन अ सिस्टम एंड इट्स यूजर्स. ये वो इंटरफेस ही वो जगह होती है जिससे आप सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं. ठीक है, तो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स वो अपने इंटरफेसेस से पहचाने जाते हैं, अपने इंटरफेसेस से स्पेसिफाई होते हैं. और अ क्लियर सेपरेशन बिटवीन द कंपोनेंट्स इंटरफेस एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन शुड एग्जिस्ट. एक क्लियर सेपरेशन होनी चाहिए कंपोनेंट्स इंटरफेस में और इसकी इम्प्लीमेंटेशन में. ये ना हो कि हम कहें जी इंटरफेस को हम मिक्स कर दें उसके इम्प्लीमेंटेशन. नाउ इम्प्लीमेंटेशन इज अ सेपरेट एरिया. द कंपोनेंट्स इंटरफेस टू डिस्कस इज अ सेपरेट एरिया. इसकी सेपरेशन होनी चाहिए. नंबर टू, अलाउज द रिप्लेसमेंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन बाय अनदर इम्प्लीमेंटेशन विदाउट चेंजिंग अदर पार्ट्स ऑफ सिस्टम. हाँ, यस, आई एम टॉकिंग अबाउट, पीछे भी अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता के हटाऊं के व्हाट आर दीज थिंग्स. इफ यू वांट टू फिगर आउट एंड टू रिप्लेस एनी कॉम्पोनेंट फ्रॉम द सिस्टम, तो जो कॉम्पोनेंट आप जिसको आप रिप्लेसमेंट के लिए लेकर आ रहे हैं उसकी रिप्लेसमेंट से आपके सिस्टम पे कोई असर ना पड़े. विदाउट चेंजिंग अदर पार्ट्स ऑफ योर सिस्टम यू कैन इम्प्लीमेंट द रिप्लेसमेंट. यू कैन अलाउ द रिप्लेसमेंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन. यू कैन अलाउ द रिप्लेसमेंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन. सो दैट इज वाई वी आर सेइंग अलाउज द रिप्लेसमेंट ऑफ एन इम्प्लीमेंटेशन बाय अनदर इम्प्लीमेंटेशन विदाउट चेंजिंग अदर पार्ट्स ऑफ द सिस्टम. So this is very, very important task. So this thing is showing the independency of the components. Independent components, because as we have earlier discussed that components must be independent, right? Independent entities, so that we may revitalize them in our productive system. Next one, next important terminology you have to study about the component standards. What are these? The component standards are the things which are need to facilitate component integration. You want to integrate different components, so their standards must be maintained. How? To facilitate at the very minimum how component interfaces should be specified and how components communicate. Yes, you need to facilitate. Agar aapne facilitate karna hai to aapko batana hoga ki minimum level pe sabse kam darje pe kahan se kam aap apne component interfaces ko interact karwa sakte hain, kis had tak aap usko specify kar sakte hain apne dusre components ke sath communicate karne mein. Agar aapke component ka interface hai to wo dusre component ke interface ke sath kaise react karega. ठीक है, इनकी आपस में कम्युनिकेट किया, क्या स्टैंडर्ड हमने रखना है, क्या हमने टाइम फ्रेम बनाना है, क्या हमने सिनेरियो बनाना है. तो दिस विल बी योर कंपोनेंट स्टैंडर्ड. व्हाई? टू फैसिलिटेट कंपोनेंट इंटीग्रेशन. हम ये ऐसा क्यों करेंगे? एज आई हैव अर्लियर मेंशन्ड, फॉर द
कंपोनेंट इंटेग्रेशन, हम कंपोनेंट की इंटेग्रेशन के लिए ये काम करेंगे. इफ कंपोनेंट्स कंफर्म टू स्टैंडर्ड्स देन देयर ऑपरेशन इज प्रोग्राम लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें आप अपने डिफरेंट मॉड्यूल्स क्रिएट करते हैं, दिस विल बी इंडिपेंडेंट. आप लैंग्वेज कोई भी इस्तेमाल करें अगर वो स्टैंडर्ड्स को मीट करता है, इफ योर कंपोनेंट कंफर्म टू स्टैंडर्ड्स देन देयर ऑपरेशन इज प्रोग्राम लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होगा. ठीक है, नेक्स्ट है जी आपका मिडलवेयर. ये तीन चार बातें मैंने आपको बतानी है आज के लेक्चर में. मिडलवेयर और डेवलपमेंट प्रोसेस तक रखूंगा मैं, बहुत ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा. मिडलवेयर फर्स्ट लेक्चर है आपका ऑनलाइन, तो आप उसको देख लीजिएगा. मिडलवेयर क्या चीज है जी? मिडलवेयर एक्चुअली दैट प्रोवाइड्स सपोर्ट फॉर कंपोनेंट इंटर ऑपरेबिलिटी. यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज इंटर ऑपरेबिलिटी. वी नीड टू अंडरस्टैंड वॉट इज इंटर ऑपरेबिलिटी. First, we need to understand interoperability to understand easily middleware. Interoperability means, let's say, you have different interfaces for different components, right? And if you want to integrate these components, so you need to check whether these components are operable or on different layers. If we are going to integrate or we are going to associate them with each other for the scenario of whole system, and we want to utilize our whole system, not a single module, not a single component, it is interoperable at different layers. Yes, so we will check. So this is your interoperability, and handles low level issues efficiently and allows you to focus on application related problems. Yes, this is also will be the interoperability that handles low level issues efficiently. Low level issues concerns means you are using different types of compilers and interpreters, some of the user interfaces, or you can say that some of the IDEs which are not supported by some of the systems or some of your operating system types. So depends upon the criteria. So it will generate the low level issue. So it must handle the low level issue efficiently and allows you to focus on application related problems. Yes, and it must focus on allow you to handle the application related problems. Yes, so this will be also the interoperability in your middleware. And if I'm going to do these things, so it means I am on the middleware. Why I'm going to say that? Because you are integrating your component with the help of your interfaces for the whole system to be work efficiently. So it means you are middleman. So it can be a middleware. If I'm going to talk about the component regarding the concerns of the components, it will be the middleware. Next one is your development process that is geared to reuse. As I have earlier discussed, reusability will be there. Again and again, I'm using the word components with the word reusability. Takes into account the possibilities of reuse and the different processes involved in developing and using reusable concepts, components, sorry. Development process generally takes you to where the possibilities of reuse. What kind of reuse I am talking about? The reuse of the components. The reuse of the components with the help of different reusable processes. So different processes involved in developing and using these reusable components. So development process in the essentials of CBSC will generally contain the reusable components. The components which are reused by the systems. These are called the reusable components. So these are some terminologies that we have discussed today. So my dear students, I hope you understand the things. So there is my official channel as well, Computer Science Lectures. I will share you the link over there. I will transfer this recorded lecture, so you can watch over there also. So my dear students,
मैं इस लेक्चर को यहां तक रखता हूं, सो दैट